इस्लाम के इब्तदाई दौर में मुसलमानों और रूमियों के दरमियान शदीद जंग छिड़ गई। इस जंग में अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा समेत 80 मुसलमानों को रोमियों ने अपना कैदी बना लिया और एक दिन तमाम मुसलमान कैदियों को कैसर रूम के सामने पेश किया गया। कैसर रूम ने अब्दुल्ला से, जो मुसलमान कैदियों की सरबराही कर रहे थे, गुफ्तगू की। कैसर ने पूछा, अगर तुम मसीहत कबूल कर लो तो तुम रहा कर दिए जाओगे। अब्दुल्ला ने जवाब दिया, जुल्मतों से एक बार निकलकर नूर और रोशनी की फिजा में दाखिल होने के बाद दोबारा जुल्मात की तरफ कैसे पलट कर जा सकता हूं। कैसर ने हुक्म दिया कि एक बड़ी देग लाई जाए, उसमें जैतून का तेल डालकर उसको आग पर गर्म किया जाए। जब तेल खोलने लगा तो एक मुसलमान कैदी को उसमें फेंक दिया गया। देखते ही देखते उसकी हड्डियों से गोश्त अलग हो गया। कैसर कहता है, अगर तुम ईसाई मजहब को नहीं अपनाओगे तो तुम्हें भी इसी तरह की सजा दी जाए। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा कहते हैं, मैं किसी सूरत में हिदायत पाने के बाद दोबारा गुमराही का रुख नहीं करूंगा। कैसर ने भी अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा को उबलते हुए तेल की देग में फेंकने का हुक्म दिया। चुनांचे उन्हें देग के पास लाया गया। उस वक्त उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। कैसर ने हुक्म दिया कि उन्हें आग में न फेंका जाए। कैसर रूम ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? मैं एक बार फिर कहता हूं कि अगर तुम इस्लाम से पलट जाओ तो रिहा कर दिए जाओगे। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा कहते हैं, मैं मौत के खौफ से नहीं रो रहा हूं, बल्कि मेरी तमन्ना यह है कि मेरे बदन के बालों के बराबर अगर मुझमें जान होती तो मैं बार बार खुदा की राह में जान दे देता। कैसर रूम कहता है, क्या तुम तैयार हो कि मसीहत कबूल कर लो? अगर ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें अपना दामाद बना लूंगा और अपनी सल्तनत के आधे हिस्से को तुम्हें बख्श दूंगा। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा कहते हैं, मैं किसी सूरत में अपने दीन व ईमान से दस्तबरदार नहीं हूंगा। कैसर ने जब देखा कि अब्दुल्ला का ईमान मुस्तहकम और पायदार है तो अब्दुल्ला से कहा कि वो इसके सर को चूम ले तो तमाम मुसलमानों को आजाद कर दिया जाएगा। अब्दुल्ला ने देखा कि तमाम मुसलमान कैदियों की रिहाई का मसला है तो उन्होंने ये पेशकश कबूल कर ली। कैसर का सर चुमा, चुनांचे तमाम मुसलमान कैदी रिहा कर दिए।